हे हेलो गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है एक ब्रांड न्यू और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो पर। आज का वीडियो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैनल पर एक न्यू सीरीज जो कि है टॉप 5 गैजेट्स का। तो हाँ जी दोस्तों, मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ टॉप 5 गैजेट्स अंडर 99 to 999। हाँ जी दोस्तों, 99 रुपए से लेकर 999 रुपए के अंदर मैं आपको टॉप 5 गैजेट्स दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, यूजफुल और दिखने में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे ये सारे गैजेट्स। और सबसे मजेदार बात तो ये है दोस्तों कि ये सारे गैजेट्स आपको अमेजोन पे ही मिल जाएगा। सो चलिए बिना देर करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे पहले गैजेट से जो कि है द पबजी ट्रिगर। तो मुझे पता है आप ऐसे बहुत सारे लोग इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं और बहुत सारे लोग यूज भी करते हैं। तो मैंने इसको इस वीडियो में इसलिए ऐड किया क्योंकि इसका जो प्राइस है ये काफी घट चुका है। पहले के अगर कंपैरिजन की बात करें तो पहले जब ये निकला था तो तब ये 1000-2000 का मिलता था, लेकिन अभी ये सिर्फ और सिर्फ आपको अमेजोन पे 80-90, ज्यादा से ज्यादा आपको 100 रुपए में मिल जाता है। तो ये सही मौका है, जिन लोगों ने अभी तक इसको यूज नहीं किया तो ये डेफिनेटली आपका राइट टाइम है इसको यूज करने का। आप डेफिनेटली इनको एक बार ट्राई कर सकते हो, लेकिन आप अगर ऑलरेडी एक क्लॉ प्लेयर हो, चार उंगली से खेलते हो, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, इनकी जरूरत नहीं है आपको। लेकिन आप अगर टू फिंगर से खेलते हो, क्लॉ सिग्नल चाहते हो और आपने अगर ट्रिगर अभी तक यूज नहीं किया तो डेफिनेटली इनको चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो, आप जैसे इसको अनबॉक्स करते हो तो आपको एक छोटा सा काला डब्बा मिलता है जिसके अंदर आपको 2 पबजी ट्रिगर मिल जाता है, पबजी ट्रिगर या जो बोलो ट्रिगर मिल जाता है जो कि प्योर चाइना से बना हुआ है, मेड इन चाइना है। तो आपको सिंपली इनको अपने फोन में अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद पबजी के सेटिंग में जाकर आपका फायर बटन एंड स्कोप इन स्कोप आउट का बटन आपको सेट कर देना है इन दोनों पोजीशन पर और बूम, आप रेडी हो जाओगे। जैसे कि देख सकते हो, आप डेफिनेटली पहले से बहुत ही अच्छे खेलना स्टार्ट कर दोगे। तो आप अगर एक प्रो प्लेयर बनना चाहते हो तो डेफिनेटली क्लॉ का यूज करना, लेकिन आप अगर ऐसे इनको फन के लिए यूज करना चाहते हो तो डेफिनेटली इनको चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट गैजेट की ओर जो कि है द मैजिकल कप। तो हाँ जी दोस्तों, ये जो कप है ये प्योरली मैजिक से बना हुआ है। हाँ जी दोस्तों, क्योंकि आप अगर इसको एकदम से पहली बार देखोगे तो यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, नॉर्मल कप की तरह ही लगेगा जो कि ग्लास की तरह आपको लग सकता है, लेकिन ये ग्लास का बना हुआ नहीं है। ये जो फाइबर टाइप का जो मटेरियल आता है, फाइबर ग्लास, उस टाइप के मटेरियल से ये बना हुआ है। तो ऐसे तो ये कप कुछ भी काम नहीं करता, लेकिन अब जैसे इस कप में वाटर या कोई भी लिक्विड टाइप का चीज इसमें डालते हो, कॉफी हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये फटक से ये अपना मैजिक दिखना स्टार्ट हो जाता है। इसमें से आपको लाइट ब्लिंक होना देखने को मिलेगा जो कि आपको एक नॉर्मल कप को बहुत ही ऑसम कप बना देता है। तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो जिसका प्राइस है 180 रुपीज अमेजोन पर। तो आप अगर सोच रहे हो कि ये कप कैसे काम करता है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, ये फाइबर का बना हुआ है और इसके अंदर जहां पर आप पानी वानी डालते हो वहां पर एक सेंसर लगा हुआ है जो कि लिक्विड फॉर्म के चीज डालने से वो एक्टिवेट हो जाता है। और इसके नीचे आपको मिल जाता है एक बैटरी जैसे कि देख सकते हो और एक सर्किट मिलता है। ये ऐसे नहीं दिखता है, जैसे आप कप को उल्टा करते हो तब आपको ये दिखाई देता है, और अदरवाइज ये आपके पार्टी के टाइम में आपके पार्टी को और भी चार चांद लगा देगा। और उसी के साथ आपको अगर किसी को कोई भी चीज गिफ्ट करना है, उसका बर्थडे है नजदीक, सामने बर्थडे आ रहा है, तो उसके बर्थडे में आप इस कप को डेफिनेटली गिफ्ट कर सकते हो जिसकी वजह से आपका पॉकेट भी उतना खाली नहीं होगा और उसके साथ ही साथ आपके दोस्त को भी एक ऑसम सा गिफ्ट मिल जाएगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गैजेट की ओर जो कि है द ब्लूटूथ स्पीकर। तो ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है इसमें आपको बहुत सारे खास खास फीचर्स मिलते हैं जो कि दूसरे ब्लूटूथ स्पीकर से इसको बहुत ही ज्यादा यूनिक बनाता है। अगर बात करें इसके ब्रांड की तो ये आता है माओनो के ब्रांड से जिसका मॉडल है AU-U3। जैसे कि देख सकते हो इसमें बहुत सारे की फीचर मेंशन है जैसे कि माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट है, आप डायरेक्टली इसके थ्रू कॉल कर सकते हो, माइक का सपोर्ट दिया गया है, ऑक्स इनपुट है, बैटरी लाइफ इसका बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें मिलता है आपको 1800 mAh की बैटरी जिससे आपको बहुत ही ज्यादा प्ले बैक टाइम देखने को मिल जाता है। उसके साथ ही सबसे खास फीचर की अगर बात करें इस स्पीकर की जो कि है IPX6 वाटर प्रूफ का सर्टिफिकेशन। जैसे कि देख सकते हो इसमें आपको वाटर प्रूफ का सर्टिफिकेशन मिल जाता है, मतलब आप इसको बारिश में या चाहे तो पानी के छींटे वगैरह में चला सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर बात करें इसके प्राइसिंग की तो ये आपको अमेजोन पे आराम से 1000 के नीचे मिल जाएगा, कभी कभी 1100-1200 हो जाता है, लेकिन आपको ज्यादातर ये आपको 999 रुपए में ही मिल जाता है जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस स्पीकर का। क्योंकि अगर बात करें इसके दूसरे कंपेटिटर की तो उसका प्राइस बहुत ही ज्यादा है, जैसे कि 1400-1500-1600 में मिल जाता है, लेकिन फिर भी इसके जैसा बैकअप नहीं दे पाता कंपेयर टू बैटरी और साउंड क्वालिटी में। अगर बात करें इसके बैटरी बैकअप की तो आप अगर इसको 50% वॉल्यूम पे यूज करते हो तो आपको मिनिमम 14-15 घंटे का बैकअप देखने को मिल जाएगा बैटरी का, जो कि बहुत ही अच्छा है। और उसी के साथ अगर बात करें इसके बिल्ड क्वालिटी की जो कि बहुत ही ऑसम, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से इसको बनाया गया, इसके बटन को आप देख सकते हो बहुत ही कूल लगता है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर आपको साइड में की चेन या की रिंग को लगाने का सपोर्ट दिया गया है, उसके साथ ही आपको
नीचे रबर की पैडिंग देखने को मिलता है जिससे कि आपके स्पीकर उतना ज्यादा हिलता नहीं है फुल साउंड पर। और अगर बात करें सबसे खास फीचर की जिससे कि ये स्पीकर बहुत ही ज्यादा यूनिक हो जाता है जो कि है इसका स्पीकर, जैसे कि देख सकते हो इसमें आपको एक नहीं बल्कि दो दो स्पीकर मिलता है जो कि मुझे बहुत ही यूनिक और मैंने जितने भी ब्लूटूथ स्पीकर को यूज किया है उससे सबसे ज्यादा ये मुझे पसंद आया क्योंकि इसका जो साउंड क्वालिटी है ना ये बहुत ही ऑसम है क्योंकि इसमें आपको अलग से एक बूफर और एक स्पीकर देखने को मिल जाता है जिससे कि ये दूसरे स्पीकर से बहुत ही अच्छा साउंड प्रोड्यूस कर पाता है। और उसी के साथ ही पीछे की और आप अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको मेमोरी कार्ड के साथ साथ ऑक्स पोर्ट और उसके साथ चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। और अभी चलिए आगे बढ़ते हैं मेन मुद्दे की ओर जो कि इसका साउंड क्वालिटी, तो चलिए इसको चेक करते हैं। और अभी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर जो कि है एक पोर्टेबल मिनी एसएलआर कैमरा। हाँ जी दोस्तों देख सकते हो ये जो कैमरा है ये एक शो पीस है और इसको मैंने एज अ शो पीस के लिए ही मंगवाया था अपने टेबल के लिए क्योंकि आप अगर इसको सजाते हो तो बहुत ही कूल लगता है। जैसे कि देख सकते हो इसका कोई खास काम नहीं है, ऐसे तो आप अगर पहली बार देखोगे तो आपको कैमरा की तरह लगेगा दूर से, लेकिन पास से देखोगे तो ये आपको पता चलेगा कि ये एक टॉय है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों ये जो गैजेट है इसको मैंने बिल्कुल भी ऐड करने का नहीं सोचा था, इसको मैंने एज अ शो पीस के लिए ही मंगवाया था। लेकिन मैंने एक जब इसका जो लेंस टाइप का पार्ट है जैसे कि देख सकते हो दिखने में तो ये कैमरा की तरह ही लगता है लेकिन इसका जो लेंस टाइप का पार्ट है इसको मैंने खोलने की कोशिश किया और देख सकते हो बूम यहाँ पर मेरे साथ खुल जा सिमसिम वाला कांड हो चुका था। जैसे मैंने इसको खोला अरे मैं तो एकदम शॉक हो गया था कि ये क्या है भाई। और उसके साथ एक बटन देखने को मिला था जैसे कि देख सकते हो जो कि शटर बटन है, ऐसे तो मुझे पता नहीं था कि इस बटन का क्या काम है लेकिन जैसे मैंने उस बटन को प्रेस किया एंड आई वॉज लाइक मतलब देखने के बाद मैं एकदम शॉक हो गया था कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। मैंने इसको एज अ शो पीस के लिए मंगवाया था। और उसके साथ इसके प्राइसिंग की अगर बात करें तो इसका प्राइसिंग भी बहुत ही कम है कंपेयर टू इसके हिडन फीचर। जैसे कि देख सकते हो इसका प्राइस सिर्फ 300 रुपया अप्रोक्स आपको पड़ जाएगा, 298 इसका प्राइस है। तो आप इसको डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर सकते हो, आप इसको एज ए शो पीस के लिए भी यूज कर सकते हो और उसके साथ कभी कभी अगर गर्मी लग जाता है तो एज ए फैन की तरह भी यूज कर सकते हो। और इसके फैन को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना क्योंकि इसका जो फैन है ये है तो पेपर का लेकिन बहुत ही ज्यादा हवा प्रोड्यूस करता है इसका फैन। हाँ जी दोस्तों, तो मैं अगर आपको शॉर्टली बोलूं तो इस तरह का गैजेट मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है कि एक के अंदर और एक चीज देखने को मिलता है, तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और इस वीडियो के आखिरी गैजेट की ओर जिसके लिए आप में से 90% लोग वेट कर रहे होंगे और कई कई ने तो स्किप भी कर दिया होगा इस वीडियो को। तो जैसे कि देख सकते हो ये एक प्लाज्मा बॉल है जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा ऑसम और बहुत ही यूनिक चीज है। जैसे कि देख सकते हो इस तरह का चीज आप में से 90% लोग नहीं देखा होगा अभी तक, कुछ एक दो लोगों को ही पता होगा इसके बारे में क्योंकि ये है ही इतना हिडन गैजेट। जैसे कि देख सकते हो ऐसे तो ये कोई काम नहीं करता है लेकिन आप इससे बहुत सारे काम कर सकते हो। जैसे कि आप चाहे तो इसको एज अ शो पीस की तरह यूज कर सकते हो अपने टेबल पर या चाहे तो अपने फ्रेंड्स को प्रैंक कर सकते हो। जैसे कि देखने के लिए कि मेरे पास हिडन शक्ति है, जैसे कि देख सकते हो टेस्ला की तरह प्लाज्मा की तरह शक्ति है, प्लाज्मा की तरह रे निकलता है इससे, तो अपने फ्रेंड्स को चौंका सकते हो या आप चाहे तो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो रिकॉर्ड करके भी पोस्ट कर सकते हो। मतलब जो कोई भी देखेगा एक बार पहली बार तो ये देखता ही रह जाएगा क्योंकि ये है ही इतना खास चीज, काफी कूल लगता है। और अगर बात करें प्राइसिंग की तो ये आपको 990 रुपए में अमेजोन पे मिल जाएगा, कभी कभी ये 1000 का भी हो जाता है और कभी कभी 800 में भी गिर जाता है इसका प्राइस। तो आप अगर बहुत ही ज्यादा लकी होते हो तो आपको ये 800 रुपए में भी मिल सकता है। और अगर बात करें बॉक्स कंटेंट की तो जैसे कि देख सकते हो बॉक्स के ऊपर आपको लिखा हुआ है प्लाज्मा बॉल और यहाँ पर साफ साफ वार्निंग दिया गया है कि आप अगर फायर से या शॉक हैजर्ड से बचना चाहते हो तो आपको इसको रेन या मॉइस्चर जैसे जगह पर यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको ये सिर्फ और सिर्फ इंडोर पे या घर के अंदर ही यूज करना है। और अगर बात करें प्लाज्मा बॉल की तो ये आपको सबसे ऊपर बॉक्स में मिल जाता है, जैसे कि देख सकते हो पहली बार आप अगर देखोगे तो आपको उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा लेकिन जब आप इसको पावर करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही हार्ड चीज है। तो जब मैंने इसको पहली बार टच करने जा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरे हाथ को शॉक दे सकता है, मतलब बिजली मार सकता है मेरे हाथ को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी आपको बिजली जैसा महसूस नहीं होगा जब आप इसको टच करोगे, लेकिन हाँ जब आप बहुत देर तक एक ही जगह पर टच करके रखते हो तो वो जगह बहुत ही ज्यादा हीट हो जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक ही जगह पर आप
बहुत ही ज्यादा टाइम टच करके मत रहना। सो वही आई होप कि आपको ये सारे गैजेट्स, टॉप 5 गैजेट्स मैंने आपको दिखा है 99 से लेकर 999 तक, ये सारे आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डेफिनेटली इस वीडियो को एक लाइक कर देना, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने सोशल मीडिया पर, और उसी के साथ इस वीडियो के नीचे डेफिनेटली कमेंट करना कि ये वीडियो आपको कैसे लगा और इस वीडियो का पार्ट 2 मैं बनाऊं या नहीं, इसका जो सीरीज है इसको मैं कंटिन्यू करूं या नहीं, तो उसको कमेंट में जरूर से लिख देना। और उसी के साथ ही आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या किया है दोस्तों, इस तरह के क्वालिटी कंटेंट आप अगर और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब कर राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। तो वही मैं मिलूंगा आप सब लोगों से ऐसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पीस आउट।